बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आपको खुश आमदीद। लेकिन ये किचन नहीं है, ये मैं किसी और जगह पे बैठी हुई हूँ। तो मैंने आपको बताना ये था कि कुकिंग के लिए मैंने जो है ना लाइट लगाई थी, ये स्पॉट लाइट है। तो इसको जो है मैंने लगाया, और जब मैंने इसको चूल्हे के एन ऊपर लगाया तो कुछ देर के बाद मुझे पता चला कि ये पिघलना शुरू हो चुकी है। ये देखें, इसकी जो ऊपर वाली जो इसका कवर था लाइट के ऊपर जो होता है अंदर, तो ये छोटे छोटे से बल्ब लगे हुए हैं, ये देखें, ठीक है। तो उसके ऊपर जो इसका एक कवर था लगा हुआ, वो जो है वो देखें पिघल के जो है ना इसने अपनी जगह छोड़ दी है। और ये देखें, ये इस तरह भी पिघलना शुरू हो गया। तो मैंने देखा, तो मैंने उतारा इसको, लाइट जल तो रही है लेकिन ये जो है अब मैं इसको वहाँ पर लगाना नहीं चाह रही हूँ, तो क्योंकि ये वैसे ही लाइट जो है वो पिघल चुकी है। और ये देखिए, मैंने इसको बांधा था इस तरह करके, लाइट का सही इंतज़ाम हो नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। मैंने ये लगाने की कोशिश की, इसकी लाइट भी कम थी और मैंने सोचा चलें दूसरी लाइट लगाती हूं। लेकिन जब मैंने इसको जहां मैं लगाना चाह रही थी मैंने उस जगह पर इसको लगाया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये लाइट जो है ना ये टूट गई है। और ये देखें, अबू बकर जो है बड़े हैरान होकर देख रहे हैं कि लाइट टूट गई है। लाइट टूट गई है? हाँ। कैसे टूटी? वो तो नहीं, मैंने देर दे अभी था। अभी दिखाओ। ये पकड़ा था और ये भी, ये भी पकड़ा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? फिर था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज जो है ना वो बारिश भी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बारिश हो रही थी सुबह जब मैंने लॉक खोलूँ मैं पहले, ये देखें, तो सुबह जब मैंने ना आसमान की तरफ देखा तो बादल कुछ इस किस्म के थे कि समझ ही नहीं आई कि बादल हैं या साफ़ हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम था। तो मैंने ना मशीन लगा ली कपड़े धोने के लिए, लेकिन जब मैं कपड़े डालने गई तो मुझे पता चला कि हल्की हल्की सी छींटें आ रही हैं, हल्की हल्की सी छींटें आ रही हैं। तो उसके बाद जो है ना मुझे बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मशीन जो थी वो लगा चुकी थी मैं, तो वो ज़रूरी था। तो ये देखें बादल अब भी देखें कैसे हो रहे हैं, ये देखें कैसे हो रहे हैं बादल, अब भी काले स्याह बादल जो है ना वो आ चुके हैं। लेकिन हाँ, और बब्बू डोगी भी नीचे नज़र आ रहा है। और जो है ना बाकी जो छोटे छोटे से कपड़े थे ना, जो मतलब सॉक्स और ग्लव्स वगैरह थे, टोपियाँ थी, वो जो है ना वो ये देखें यहाँ पर ना मैं साइकिल पे डाल चुकी हूँ, क्योंकि इनको उठाना जब बारिश तेज़ आती है ना तो इनको उठाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से ना, तो मैंने ये सोचा कि पहले ही इसको जो है ना मैं उठा के ले आऊँ, ताकि जब बारिश आए ना तो बाकी के कपड़े जो हैं वो उठाने आसान हो जाएँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े जो है ना वो बड़े मुश्किल होते हैं उठाने। तो मैं आपको बताती हूँ, लेके चलती हूँ ऊपर, दिखाती हूँ आपको कि कितने सारे कपड़े धोए, धोने ज़रूरी थे, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में जो है ना मोटे मोटे कपड़े होते हैं। ये देखें कितना पानी जमा हो चुका है, ये देखें, और ये देखें जैकेट्स, टाइट्स, कोट और स्वेटर्स वगैरह जो हैं, और गर्म कपड़े, इनका सूखना जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल होता है। तो लेकिन अब क्या करें, धोना भी ज़रूरी था, क्योंकि इम्पोर्टेंट कपड़े भी होते हैं कुछ। तो बादलों का आलम आप देखें कि कितने गहरे बादल आ चुके हैं फिर दोबारा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप ना। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि चलें पानी तो निचड़ जाएगा ना, पानी निचड़ जाएगा तो मैं नीचे ही उसको, एक तार मैंने बांधी है, मैं नीचे ही उसको डाल दूँगी ताकि कपड़े सूख जाएँ, और इंशाल्लाह सूख जाएंगे मुझे उम्मीद है पानी। लेकिन अभी भी निचड़ रहा है कपड़ों में से। और यहाँ पर देखें ये बारिश की वजह से, ये देखें फर्श पानी कितना जमा हुआ हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नीचे। तो लाइट जो है ना अब उसको मुझे किसी और तरीके से करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लाइट का इंतज़ाम किसी और तरीके से करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ, लाइट का जो है ना वो मुझे सिस्टम जो है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर ये देखें ये जो है एग्जॉस्ट है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है एग्जॉस्ट, अंदर से जो चूल्हे के पास से इसका बटन है ना वो जल चुका है, अब एग्जॉस्ट नहीं चलता हमारा, ठीक है। और मैं आपको किचन की लाइट दिखाती हूँ, यहाँ से मैंने अंदर से अबू बकर की वजह से लॉक किया है, तो मैं यहाँ से चलती हूँ, ठीक है।
तो अंदर भी कुछ अंधेरा है क्योंकि खिड़कियां जो है ना वो मैं बंद कर चुकी हूँ, दरवाजे खिड़कियां मैंने एक्स्ट्रा जो थी वो बंद कर दी हैं। अब ये देखिए ये जो स्टोर है ना हमारा, जहाँ पर मैंने ये रूम कूलर और एक चरपाई रखी हुई है, इसके ऊपर मैं कपड़े धो कर रख देती हूँ, फिर साथ साथ उठाकर इस्त्री करती रहती हूँ, और वॉशिंग मशीन भी यहाँ पड़ी है और ये पेटी भी पड़ी हुई है यहाँ पर, और मैं कपड़े भी मैं यहीं पर इस्त्री करती हूँ। और जो है ना आप ये अलमारी जो है मेरी यहाँ पर, ये देखें मैं इसको खोल के अगर लाइट का सही हो नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर मैं हैंग कर देती हूँ कपड़े इस्त्री कर करके, ठीक है। जैसे मैं कपड़े यहाँ से उठाती हूँ, मैं धो के रखती हूँ और यहाँ से उठाकर इस्त्री करके और मैं कपड़े यहाँ रख देती हूँ जी। हटे हाँ जी ये भी है ठीक है नहीं। और इसके अलावा जो है ना ये देखिए यहाँ पर ये जो खिड़की है ना, ये खिड़की भी मैं बंद कर चुकी हूँ क्योंकि जब बारिश आती है ना तो बारिश का सारा पानी अंदर आता है, तो जो कपड़े मैंने धोए रखे होते हैं ना वो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने खिड़की बंद कर दी है, ठीक है। हाँ किचन की खिड़की जो है ना ये देखें वो मैंने थोड़ी सी खोली हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हीट जो है ना वो बाहर निकलती है। तो मैं आपको बता रही थी कि एग्जॉस्ट का जो बटन है वो ये देखें ये जल चुका है एग्जॉस्ट का बटन, तो इस वजह से ना एग्जॉस्ट जो है वो नहीं अब चलता। तो यहाँ पर ये देखें जो मैंने लाइट लगाई थी ना उसको मैंने यहाँ लगाया था, ठीक है, इस साइड पे अंदर की साइड पे मैंने लगाया था, तो जिसकी वजह से ये नीचे चूल्हा है ये देखें, तो ये जो है ना ये जल गई। अब लाइट जो है ना ये सिर्फ एक बल्ब जल रहा है यहाँ पर ये देखें, तो लाइट का यहाँ पर मेरे लिए लाइट तो ठीक है, कुकिंग के लिए लाइट ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने के लिए लाइट ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी। तो आपने मुझे बताना है कि मैं लाइट का इंतज़ाम किस तरह करूं, क्या करूं, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना है। बारिश का भी मौसम है, दुआ करेंगे कपड़े मेरे जल्दी जल्दी से सूख जाएं, तो बादल तो बड़े अच्छे से बने हुए हैं, तो अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो सर्दी भी काफ़ी हो गई है, तो यहाँ पर मैंने धोया था फर्श अभी धोया है, तो पानी जो है ना ये जब मैं इसके पीछे से पानी मारती हूँ ना तो ये पानी थोड़े थोड़े देर के बाद ना बह बह के आगे आता है और मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। और अबू बकर की जो है होती है ऐश हो जाती है क्योंकि अबू बकर यहाँ पर ना वाइपर लेके सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो सोचा लाइट पर वीडियो बना लूँ क्योंकि लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो बाकी बच्चों का ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अबू बकर भी बीमार होके हटे हैं और अभी थोड़े से और बीमार हैं मतलब अल्लाह का शुक्र है कि पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। तो नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और जो पुराने हैं वो वीडियो को एंड तक देखा करें। अल्लाह हाफिज़।